8/24. Rajan, the furniture house, Satya Jewelers, Sandeep Adalan, Kuchbihar. तूफानगंज में सड़क हादसे में 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मेखलीगंज के रानीहाट के निर्माणधीन एक हाई ड्रेन में गिरकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। पंचनन वर्मा का 155वां जन्मदिवस के उपलक्ष्य में माथाभांगा के नजरुल सदन में कई कार्यक्रम किए गए। मोटरसाइकिल के शोरूम में चोरी की घटना से उत्तेजना फैली। सफलता के साथ मेडिकल कॉलेज के मातृमा विभाग ने एक वर्ष पूरे किए। कुचबिहार के 2 नंबर प्रखंड के महेश बतान बड़तला इलाके में 2 मोटरसाइकिल के बीच टक्कर में 3 युवकों को गंभीर चोट आई। अमरतला विवेकानंद क्लब एवं व्यायामागार के संचालन में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे दिन चकचका एकादश विजेता रहा। छोटा महाकाल के धाम में पूजा कर मंत्री रविन्द्रनाथ घोष ने गुड़ चूड़ा दही खाया। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर जनसंपर्क अभियान अलीपुर द्वार में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री की जनसभा हेतु बुनियादपुर में कई पेड़ काट डाले गए। शनिवार कुचबिहार जिला क्रीड़ा संस्था के तरफ से 16 दलों के सीनियर लीग कम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ कुचबिहार स्टेडियम में किया गया। परीक्षा केंद्र में जाते वक्त 4 माध्यमिक के परीक्षार्थी दुर्घटना के शिकार। मालदा शहर के पोस्ट ऑफिस मोड़ पर कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस पर लगा एक दूसरे का झंडा हटा देने का आरोप। दिनहाटा थाने के शिव पूजा का शुक्रवार शुभारंभ हुआ। परीक्षा देकर लौटते वक्त सड़क हादसे में माध्यमिक के एक परीक्षार्थी गंभीर रूप से जख्मी। उसी दुर्घटना में उसके पिता की मृत्यु हुई। अवैध रूप से बिजली लेने वाले से अवैध रूप से टकपुर डांगा इलाके में पैसा लेने के आरोपों को केंद्र कर हलचल मची।